माँ के मरने के बाद मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली और मुझे खाला के हवाले कर दिया। अलवीना अपने बेटे को कहीं और कैश कराई जहाँ दानियाल की तरह उसे 100% मुनाफा मिले। वो बिजनेस करती है, कभी घाटे का सौदा नहीं करेगी। मुट्ठी में बंद है साला, कहीं नहीं जाने लगा, कंगाल कर दूंगी। शादी कर लो महनाज, ऐसा काट का हो सकता है दोबारा ना मिले। शादी? मुझे यहाँ से निकालो आमिर, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, मैं इज्जत की जिंदगी जीना चाहती हूँ, मुझे इज्जत दे दो। महनाज, तुम्हें यहाँ से जरूर निकालो, जरूर निकालो। हम कोठे वालियों को यहाँ बहुत मजबूरी से रहना पड़ता, नाचना गाना पड़ता, वरना मैं तो यहाँ मर के भी रहना पसंद नहीं करूँ। मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जा, किसी ऐसी जगह जहाँ मैं तुम्हारी मोहब्बत के सहारे सारी जिंदगी गुजार दूँ। तुम फिक्र क्यों करती हो महनाज, मैं तुम्हें इज्जत दूंगा। मेरा नाम, मेरा हवाला तुम्हें इस मोशरे में एक शरीफ और मुअज्ज़ज़ औरत का मकाम देगा। महनाज बस प्लीज थोड़ा सा इंतजार कर लो, अभी मैं ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकता। मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें सेट हो जाऊँ ना तो हम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं अपने शोना के लिए ये देर भी बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं घूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी। मुझे तो समझ नहीं आती, अगर मैं अरूबा से मिलने जा भी रही हूँ, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अम्मी को किस चीज का खौफ है? मेरे ख्याल में नाजिया तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। क्या ये अचानक से आज आपको मेरी शादी का ख्याल कहाँ से आ गया? क्योंकि फारिग बैठने से तुम्हारा दिमाग जो है ना इधर उधर की बहुत सोचता है। घर बाहर की हो जाओगी तो समाज सुधार किस्म के सोशल वर्क से दूर रहोगे। वेरी सैड फौजिया अभी, अरूबा हमारी बहनों जैसी दोस्त, फर्स्ट कजन, जिसका बचपन हमारे साथ और जवानी हमारे सामने है, और उसी से मिलने के लिए मुझे इतना तरद्दुद करना पड़ रहा है, क्यों? और अगर वो गांव में है तो हमारी वजह से है, हमारी बेहिसी, बेरहमी और चंद रुपयों की वजह से। सुन लिया तुमने, ये दौरा पड़ा हुआ है आजकल इसे। अम्मी मैं तो कहती हूँ उसकी शादी कर दे, खुद ही ठीक हो जाएगी ये। मुझे शादी नामा का कोई मर्ज नहीं है, और ना ही हर लड़की की बीमारी का इलाज सिर्फ शादी होता है। देखा तुम, इसको तो मेरी हर बात बुरी लगती है। अम्मी मैं आपसे बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अरे तो फिर ढूंढो ना कोई अच्छा सा लड़का, तुम्हारे ससुराल में तो बहुत अच्छे अच्छे लड़के। मेरे ससुराल में नाजिया का गुजारा बहुत मुश्किल है अम्मी, ये लोग तो तौबा तौबा, ये तो मैं हूँ जो अपनी सास के साथ कैसे गुजारा कर रही हूँ, बड़ी डिमांडिंग सास है। अरे तो क्या हो गया, जिस तरह तुम गुजारा कर रही हो ये भी कर लेगी? बस लड़का अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल वकास के जैसा। वकास जैसा?
आपके ख्याल में वकास जैसे बंदे के साथ गुजारा करना आसान है? नहीं अम्मी, वो अपनी माँ के कदमों के साथ कदम मिलाता है। ये तो मैं हूँ जो कंप्रोमाइज कर रही हूँ, वरना बात बढ़ती और झगड़े तक पहुंच जाती। अच्छा बस बस, ऐसी भी कोई बात नहीं है। कौन सी ड्राकोला है तुम्हारी सास? आपको तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं आता। अच्छा चलो, वो वकास अकेला अंदर शहीर के साथ बैठा हुआ है, चलो अंदर। यानी तुमने मेनाज से शादी करने का पक्का प्लान कर लिया? मगर एक बात याद रखना बच्चे, वो खाली हाथ यानी अपने नाम, रुपया, पैसा, जायदाद, किराए बगैर शादी नहीं करेगी। इसीलिए तो घर देख रहा हूँ उसके लिए, उसी के नाम से खरीदूंगा यार। क्या तू वाकई उसके लिए घर देख रहा है? जाहिर है यार, जिस किराए के मकान में हम लोग रह रहे हैं उसमें मेहनाज थोड़ी रह सकती है। अरे वाह मेरे यार, आशिक हो तो तेरे जैसा, कमाल कर दिया तूने। आदा आदा। ओफो, तुझ पर तो मेहनाज का रंग चढ़ रहा है, वही आदाब, वही नाज नखरे, वही गुफ्तगू। अबे चल, मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ। रांझा रांझा कर दे, मैं आपे रांझा हो। बहू रानी, बैठक मैंने साफ करवा दी है। ठीक है, खाना पका लिया है आपने? सारा खाना तैयार है, बस चावल दम पर है, मेहमान आने तक वो भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, बस नाना बूबी पहुँचने वाले होंगे। बहू रानी, आज आप किस कदर खुश हैं? जी मैं बहुत खुश हूँ, नाना बू को 4 महीने बाद देखूंगी ना, इसलिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। सदा खुश रहो, इसी तरह हंसते मुस्कुराते। ओए होए, आज तो बड़ी सोनी लग रही है, मेरे लिए इतना तैयार हुई है ना? जी। ओह, चूड़ियां भी पहनी है, ये वो चूड़ियां है ना जो मैं तेरे लिए शहर से लेकर आया था। मुझे पता है आज तू बड़ी खुश है, तो मुझे पता है तेरे मैके से लोग आ रहे हैं ना, इसलिए तू खुश है। एक बात का ख्याल रखी, उनकी खूब खातर मदारत करनी है। ऐसा ना हो कि वो लोग कहें कि चौधरी कमाल के घर आए थे तो उनकी खातर मदारत नहीं हुई। ठीक है ना? जी बेहतर। चल, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, मैं उनके पास बैठा हूं। वैसे नाजिया, मुझे तो तुम्हारे आने की उम्मीद ही नहीं थी, तुमने मुझे सरप्राइज देकर हैरान कर दिया। सिर्फ हैरान नहीं, बहुत खुश कर दिया। यूं ही घड़ी बातें करती रहोगी या हमें बैठने को भी कहोगी? सॉरी, मैं तो भूल गई, आप लोग प्लीज बैठे ना। कमाल कहाँ है? उनके दोस्त आए हुए तो बाहर उनसे मिलने गए, आ जाएंगे। खैर नानी अम्मा, आप बहुत कमजोर हो गई हैं। अरे नहीं बेटा, कमजोर तो तुम मुझे लग रही हो,
माशाल्लाह इतना बड़ा घर, 20-25 गाय, 20-25 भैंसे, क्या दूध दही मक्खन सब खाना छोड़ दिया है? कमी तो वाकई नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है इस घर में। मुझे तो नहीं लगता कि मैं कमजोर हो गई हूँ, क्यों नाजिया? कमजोर नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हो। जरा इसकी रंगत तो देखें, कितनी पीली पड़ गई हो तुम। क्या हो गया, क्यों डरा रहे हो? अच्छा मैं खाने लगा के आती हूँ। वैसे वाकई बेटा उरुबा तो मुझे बहुत कमजोर लग रही है। सही कह रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे कपड़े। कमाल भाई मैं नाजिया आपकी साली। ओ, तो आप आधी घर वाली। बैठे 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 बैठे। हाँ तो क्या हो रहा है बरखुरदार आजकल? फरागत के मजे ले रहा हूँ बुजुर्गो। इस पूरे पिंड का चौधरी हूँ मैं। सबसे ज्यादा जमीन है हमारे पास, 20 भैंसे, 50 घोड़े और बकरियों और मुर्गियों की तादाद तो मुझे खुद भी नहीं पता। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इलेक्शन में खड़े होने का सोच रहा हूं मैं। जबरदस्त। एमपीए या एमएनए? इसका फैसला तो पार्टी का टिकट मिलने के बाद ही करेंगे। वैसे पैसा बहुत है मेरे पास, कोई कमी नहीं है पैसे की। और ये जो इलाके का एमपीए चुना जाता है ना, वो भी मैं ही चुनवाता हूँ। पूरा पिंड कहता है चौधरी साहब आप दूसरों को जितवाते रहते हैं, इस बार आप खुद ही इलेक्शन में खड़े हो जाएं। वैसे आपस की बात है बुजुर्गो, वजीर आला और गवर्नर है ये भी अपने ही बंदे, इन्हीं के कहने पे तो मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। कुछ खाया पिया आपने? अब वो अरूबा 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 खाना शाना लगाया कि नहीं? जी खाना लग गया है, आप लोग आ जाए। जाए जी बुजुर्गो, आप लोग खाना खाए। चलो आप बरखुरदार तुम भी। नहीं बुजुर्गो आप लोग खाए, वो अभी मैं एमपीए के पास से आया हूँ, चाय वहाँ पी है, शाम में फिर उसके पास जाना। आप लोग खाए खाए। आप खाना नहीं खाएंगे? मैं खा लूंगा, जरा ठीक ठाक खिलाई, पता लगे कि चौधरी के घर आए हैं। जाओ जी जाओ खाना खाओ। दिन बुलाए आ जाते हैं, तो चौधरी कमाल ही है जो सबका ख्याल रखता है। क्या देख रहे हो? और देख रहा हूं कि तेरे मैके वाले तेरी शादी के बाद पहली बार तुझसे मिलने आए हैं, तो ये 2-2 रुपए की टॉफियां तेरे लिए तोहफे में लेकर आए। ओ बड़ा गरीब अभी मेरा ससुराल, तुझे पता है हमारे खानदान में जब मैके वाले अपनी लड़की से पहली बार मिलने आते हैं तो कम अज कम 2 भैंसों का तोहफा लेकर आते हैं, लड़के के लिए सोने की चेन, अंगूठी, डबल घोड़ा बोस्की का थान और नकद पैसे। ओ शावा भाई शावा, अब मेरी समझ में आया कि तेरे ताए ने तुझे यतीमों की तरह क्यों ब्याह दिया। मलका रानी, 3 कपड़ों में तो फकीर भी अपनी बेटी नहीं ब्याहते। इज्जतदार लोग
मानी तुमने अपने ताया अबू की बात? क्या करते, कहां जाते? ताई ने तो साफ साफ मना कर दिया था। हमारे पास आ जाती, वापसी के रास्ते खुले छोड़े होते तो आती ना, हमें बताया तो होता। हमें? मुझे बता देती है रूबा। माना कि जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, किसी गलत फहमी की वजह से हुआ। अगर हम ऐसे गैर तो नहीं थे कि तुम्हारी मुसीबत न जान पाते। ताया ने बात की थी अलवीना मामी से, उन्होंने कह दिया था कि इसकी शादी करा दे। तुम्हें कुछ मालूम है मिकी तुम्हारे लिए कितना परेशान है? मिकी? उसे कैसे मालूम हुआ? मेरे ख्याल में दादा जान से मालूम हुआ। मिकी से कहो कि मैं बहुत खुश हूं। मैं ये झूठ नहीं बोल सकती। अरे ये झूठ नहीं है, मैं बहुत खुश हूं नाजिया, मैं वाकई में खुश हूं। रूबा बीबी, तुम सिर्फ 4 साल की थी जब हमारे पास आई थी, और इन 4 माह में तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे इस झूठ पर यकीन कर लूं? नहीं नाना अबू, मैं ये पैसे नहीं लूंगी, प्लीज आप ये पैसे रख लें, मेरे पास बहुत पैसे हैं। अरुबा, क्या हो गया तुम्हें? पहले तो कभी तुमने इनकार नहीं किया था, और फिर बेटा हम तुम्हारे लिए लेके भी तो कुछ नहीं आए ना। पहले की बात कुछ और थी, तब मैं, अभी मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, रुपया पैसा ऐशो आराम। नाना अबू, आप बिल्कुल फिक्र मत करें और मेरे लिए बिल्कुल परेशान मत हो, मैं बहुत खुश हूँ। रख लो बेटा, हमने तुम्हें दिया ही क्या है, खाली हाथ घर से निकाला दुआ भी ना दे सके। अरे नानी अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पता है ना मुझे आपकी बहुत याद आती है, बस आती रहा करे। हाँ मेरे बच्चा, मैं जरूर आती हूँ। जरूर बेटा, हम आते जाते रहेंगे। मुझे नहीं पता था मेरे ससुराल वाले इतने गरीब और भूखे नंगे लोग हैं। तुझे क्या जरूरत थी इन पैसों को लेने की? वापस कर देती उन लोगों को। कि तुम्हारा ऑफिस गुलशन में है ना, कि तुम डिफेंस में क्या कर रहे थे? दोस्त से मिलने गया था। तुम्हारा दोस्त जो है वो नन्ही भाई के कोठे पे रहता है, क्यों? रूबा अगर इस कदर तंग और फिक्रमंद है तो उसे वहां रहना नहीं चाहिए। हम उसे आजाद कराकर यहां ले आएंगे। धड़कने जिनसे बंद